हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा आपका रिजल्ट आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बट आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर मेरा मार्क्स कितना आया मुझे यह जानना है, हमारा कट ऑफ कितना गया प्रत्येक कैटेगरी का हमको ये जानना है, और क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ हमको ये जानना है। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने आरटीआई लगाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी और मैंने बहुत से लोगों की आरटीआई लगा भी दी है। एक लिस्ट पहले भी आ गई है, उसमें बहुत से नाम मैंने दिए भी हैं। यदि आपका उसमें हो तो आप उसमें चेक करिएगा। एक लिस्ट ये है जिसमें हम बहुत से नाम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम 10 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम नेम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स, अपना रिजल्ट और क्या कारण है जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ये चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके जितने भी फैंस हैं, भाई बहन सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए फैंस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उन कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका सक्सेसफुल हो गया है आरटीआई। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, जिन कैंडिडेट का सक्सेसफुली हो गया है आरटीआई उनके रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पर नाम है किसका, उत्तम कुमार सिंह का। जी हाँ दोस्तों, इनका एप्लीकेशन नंबर जे है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, भविष्य में आप इससे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस क्या चल रहा है आरटीआई का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं और नेक्स्ट पर्सन का। यहाँ पर इनका एड्रेस दिया है, हर एक चीज दी है, और उत्तम जी का आरटीआई के लिए मैंने वहां पर इनकी जो आईडी थी वो भी दे दी है। तो आप लोग अपनी ईमेल आईडी पर देख लीजिएगा जब भी आपको इसका रिप्लाई आए। ओके, आपकी आईडी भी बाकायदा जैसी आपने दी थी वही लगी है। ओके चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आप आगे भी देख सकते हैं इनका जे है क्या, पेमेंट सक्सेसफुल, इसका जो आया था स्लिप आप वो भी देख सकते हैं, किसका, उत्तम कुमार सिंह जी का। ओके चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन कौन है। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन है क्या, रमेश कुमार जी नाम है इनका, मुखिया। जी हाँ दोस्तों, रमेश कुमार मुखिया जी हैं। यहाँ पर इनका एप्लीकेशन नंबर जे है, आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास जब आप चाहें तब इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं यदि इसका टाइम ले रहा है आरटीआई का रिप्लाई आने में, और बाकी जल्द से जल्द आप लोगों को आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा आई थिंक। ओके आप दोस्तों, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है, अब आरटीआई आपके ही ईमेल आईडी पर आएगी जो आपने दी थी, अब आप चेक करते रहिएगा कब आ रही है कब नहीं आ रही। ओके हालांकि जल्द से जल्द आएगी, करीबन मेरे हिसाब से 1 वीक की समथिंग आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन कौन है। दोस्तों इसी प्रकार से आपके यहाँ पर पेमेंट रिसीव भी है, किसका, रमेश कुमार मुखिया जी का। ओके जे है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पर्सन कौन है, चूंकि मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करने वाला। दोस्तों आप लोग अगर डिटेल्स में बात करूंगा तो बहुत ही कम नाम बता पाएंगे और आपका टाइम भी निकल जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अगला पर्सन निकल के आता है उदय कुमार पासवान। जी हाँ दोस्तों, उदय कुमार पासवान, यहाँ पर इनका जो एड्रेस वगैरह है और एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, BR202054 यहाँ पर 594, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस, हर एक चीज, कॉन्टेक्ट नंबर। दोस्तों ब्लेज में आप लोग का क्या हो रहा है, जिस साइड थोड़े टाइम से अपडेट नहीं हुई तो ब्लेज आप लोगों का एग्जैक्टली जो आप लोगों ने डाला है वो प्रॉपर वहां पे आ नहीं रहा सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लेज आपका थोड़ा बहुत एक दो का मिस भी हो सकता है, बट आप लोगों का जो ईमेल एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका ब्लॉक है, एंड इसके साथ साथ आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है वो एग्जैक्ट है, आपको ईमेल आना है, आप उसका टेंशन ना लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जय उदय कुमार जी का यहाँ पर पेमेंट रिसीव है, जो इन्होंने पेमेंट हुआ है। ओके जैसा कि इनका रजिस्ट्रेशन होने से पहले यहाँ पर पेमेंट होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट नाम निकल के आता है किसका, रवि रंजन कुमार। जी हाँ दोस्तों, रवि रंजन कुमार जी, इनका भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जी दिया है, BR202054593। अब रवि रंजन जी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी ईमेल आईडी पे जाइएगा, आपके पास पहुंच गया होगा आई थिंक। ओके और आपका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, बाकायदा हर एक चीज फिलअप है, आप टेंशन ना लीजिएगा,
आप लोग चाहें कि सर क्या क्या आपने मतलब कि क्या क्या पूछा है, तो दोस्तों आप लोगों का यही पूछा है कि सर मेरा सिलेक्शन किस कारण नहीं हुआ, आप मुझे यह बताएं। एंड इसके साथ साथ मेरा कट ऑफ कितना गया है, हमारी हर एक कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है आप ये बताइए, और इसके साथ साथ हमारे मार्क्स कितने आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 रिटर्न एग्जाम में, आप मुझे ये बताइए। जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा थोड़ा डिटेल्स में कि यहाँ पर किस टाइप से हम लोगों ने उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं, चलिए हम वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मनी नंबर्स वर रिसीव्ड इन माय बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20, मतलब कि मैंने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं हमारे बिहार पुलिस के 2019-20 के लिखित एग्जाम में, मुझे ये बताइए। एंड इसके साथ साथ सर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20 हाउ मच इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्लीज गिव मी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2019-20 का, इसका कैटेगरी वाइज मतलब कि प्रत्येक कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है आप मुझे यह बताइए। फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है, सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाई माय सिलेक्शन वाज नॉट डन इन बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20, सर मुझे यह बताएं क्योंकि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ यहां पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 में, मुझे इसका कारण बताएं, जानकारी दें। एंड नेक्स्ट क्या हेयर इज माय इन्फॉर्मेशन, मतलब कि मेरी जानकारी यह है आपके यहां पर रोल नंबर है, आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां पर जिन जिन कैंडिडेट ने यहां पर डेट प्रोवाइड किया गया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन उनका डेट भी दिया गया है। हालांकि दोस्तों उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो क्या बोलते हैं रोल नंबर पहुंच जाता है, इसके थ्रू हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनको कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस दिन एग्जाम था, उनको इससे मतलब नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके रोल नंबर से ही मतलब रहता है। यहाँ पर आपने प्रमाणित किया है जिसका यहाँ पर जी नोट 3 है। चलिए हम देखते हैं हम नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम। तो दोस्तों अगला कैंडिडेट है रवि रंजन कुमार। रवि रंजन कुमार जी आपका एप्लीकेशन नंबर है BR2020254593। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी आरटीआई बाकायदा बिल्कुल एक्सेप्ट हो गई है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। तो दोस्तों नेक्स्ट पर्सन में यहाँ पर अभी तो रवि रंजन जी का जो पेमेंट रिसीव है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पर्सन नाम निकल के आता है अशोक कुमार साध्या जी। क्या नाम है इनका, अशोक कुमार साध्या। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं BR2020254592, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपकी जो आरटीआई है वो भी एक्सेप्ट की गई है। आप इसका रिप्लाई आपके ईमेल आईडी पर देख सकते हैं, करीबन आपको 5-10 दिन लग सकते हैं, आई थिंक पहले भी आ सकता है, लेट भी हो सकते हैं, बट आप अपनी ईमेल आईडी पर चेक करते रहिएगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पर जो रिसीव है यहाँ पर अशोक कुमार साध्य जी की। नेक्स्ट है दोस्तों क्या नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों नीतीश कुमार जी का एप्लीकेशन नंबर है BR2020 54590। जी हाँ फ्रेंड्स नीतीश कुमार जी आपकी आरटीआई भी बाकायदा एक्सेप्ट कर ली गई है, आपने जो ईमेल आईडी दिया था, कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, एड्रेस दिया था, हर एक चीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, हर एक बात यहाँ पे पूछी गई है, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा, आप वेट करिएगा जल्द से जल्द आपकी ईमेल आईडी पर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इनका जो पेमेंट रिसीव है। नेक्स्ट पर्सन है क्या नवीन के आर नोनिया। क्या नाम है इनका, नवीन के आर नोनिया। ओके यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है BR2020545588। ओके दोस्तों आपका जो आरटीआई है ये भी एक्सेप्ट किया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का नाम। यहाँ पर आपका जो पेमेंट रिसीव है दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर्सन है लुलान कुमार। जी हाँ दोस्तों लल्लन है, लुलान ने लल्लन कुमार। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है BR2020545586। यहाँ पर ललन जी आप लोग का जो भी आरटीआई था वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप अपने ईमेल आईडी पर बाकायदा चेक करते रहिएगा, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन का नाम देखते हैं। यहाँ पर आपके जो पेमेंट रिसीव है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर क्या सुबोध कुमार। जी हाँ दोस्तों सुबोध कुमार जी आपका एप्लीकेशन नंबर है BR2020 54584। आपका भी यहाँ पर आरटीआई रिसीव कर लिया गया है, प्राप्त हो गया है, एक्सेप्ट किया गया है, आपको भी यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करते रहना है, मतलब कि कब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपकी ईमेल आईडी पर। ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट
यहाँ पर आपका जी क्या है, पैमाइट्रिसी भी। नेक्स्ट पर्सन निकल के आता है कौन, आपका सैफुल्लाह अंसारी। जी हाँ दोस्तों, आपका भी यहाँ पर एप्लीकेशन जी नंबर है आप BR20205482, आपका RTI भी एक्सेप्ट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का, यहाँ पर आपका पेमेंट रिसीव है। नेक्स्ट पर्सन है रंजीव कुमार तिवारी। जी हाँ दोस्तों, रंजीव कुमार तिवारी जी, आपका भी एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं BR20205479। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम नाम हो गए, हम नेक्स्ट लिस्ट में कवर करेंगे। लेकिन एक कैंडिडेट और है जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ऋतुराज कुमार। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज जी का कमेंट बहुत ज्यादा आया था मेरे पास, तो वो भी देख सकते हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है BR20205471, ऋतुराज कुमार। ओके, आपका RTI भी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप टेंशन ना लें, आपके पास बाकायदा ईमेल आएगा। ओके, आप चेक करते रहेगा और आप इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका पेंडिंग में डाला है RTI या फिर इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए देखते हैं और भी नेक्स्ट पर्सन का हम। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ नाम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा जा रही है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको भी अपना मार्क्स चेक करना है, आपको भी जानना है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपको जानना है कि आपके यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ किया गया है, या फिर आपको जो कुछ भी पूछना है वो आप RTI के थ्रू पूछ सकते हैं। RTI एक्ट आया है इसलिए है ताकि आम नागरिकों को हर एक जानकारी प्रोवाइड की जाए। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तब तक के लिए फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।